मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है अरसवाल की एक्सरसाइज 2C की क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया इसका 102 है, ठीक है। तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया गया हम लोग को। फंक्शन fx जो दिया गया है क्या है, वो है kx2+3x+k दिया गया है, ओके। अब हम लोग को पता है कि जीरोस क्या होता है, ठीक है। जीरोस मतलब कि ये जो एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, अगर हम लोग जीरोस निकालते थे तो कैसे निकालते थे, इसका फैक्टराइज करते थे और जीरो के इक्वल कर देते थे, और जीरो के इक्वल करने के बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, एक जीरो दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स का वैल्यू सभी जगह पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन मेरा जो दिया गया पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। तो बस वही करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस 2 is 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ओके। चूंकि दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 2 क्या है, इसका पॉलीनोमियल का जीरो दिया गया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग 2 का वैल्यू इसमें रखें तो जीरो के बराबर आ जाए, तो वही करते हैं। तो हेंस के, और यहाँ एक्स के जगह 2 रखेंगे सभी जगह, प्लस 3 एक्स के जगह फिर से 2 प्लस के इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ओके। तो आई यहाँ पे हो जाएगा ये 2 to the 4 के प्लस 6 प्लस के इक्वल 0, 5 के प्लस 6 इक्वल 0, 5 के इक्वल इसको 6 को उधर करेंगे माइनस सेट में चला जाएगा, और के का वैल्यू कितना जाएगा, -6/5 आ जाएगा, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी क्या करना था, जीरोस फाइंड कर, मतलब के का वैल्यू फाइंड करना था, एक जीरो दे दिया गया था, ठीक है। तो वही करेंगे इसमें भी हम लोग का क्या दिया गया, फंक्शन क्या दिया गया, fx=2x2+x+k, और ये कह रहा है कि 103 है। जीरोस का मतलब क्या होता है, अगर ये x का एक वैल्यू ही है, ठीक है, x का जो वैल्यू दिया गया है और ये जीरो है, मतलब क्या, x का वैल्यू यहाँ पे सब जगह पुट करेंगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है क्या जीरो है, मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो बस वही हम लोग को यहाँ पे करना है। बस बट्स में क्या लिखेंगे, सिंस 3 is 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे जीरो है 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3 को x के जगह पुट कर देंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगा, क्योंकि 0 है। तो आइए वही करते हैं। तो बस क्या करेंगे, x के जगह पे 3 लिख देंगे, स्क्वायर प्लस x के जगह पे 3 प्लस k इक्वल 0, ओके। अब ये कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 2 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल 0, ओके, 21 हो जाएगा प्लस k इक्वल 0। तो k का जो वैल्यू आ जाएगा -20 आ जाएगा। और सबसे पहले आप कमेंट करके नीचे बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये कैसा लगा, और एक शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।